दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ओवरवेट भी हैं, यानी कि आपके पास 10 किलो वेट कम करने स्कोप है, तो आज की डेट वाला एक मैजिक पिल है। एक तो पहले लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, प्रोटीन फैट ज़्यादा खाओ, यानी कि कीटो डाइट की पास, नॉट टोटल कीटो डाइट, प्लस इंटरमीडिएट फास्टिंग। और ये करोगे तो चांसेस 90% बिना कोई दवा का वेट कम कर सकते हो। बट हमने देखा कई लोग के अंदर काप कम खाने से भूख नहीं लगती है, वो मैनेज कर नहीं पाते हैं, भूख चक्कर वो खा लेते हैं, उनका वेट कंट्रोल होता नहीं है। क्योंकि वेट घटने से फैट घटेगा, इंसुलिन असर बढ़ेगा, वेट घटने से पेंट्रियाज से फैट घटेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, चांसेस 90% है। कई स्टडी आए हैं जिसका भी 15% वेट घट जाता है। आपका वेट 91 है, 15% कितना, 13 किलो। आपका वेट 85 है, 15 किलो मतलब कि 12 किलो, चांसेस 80-90% डायबिटीज खत्म हो जाएगी। आपका मैंने इंसुलिन बंद किया आज, ये गोली है क्या? हाँ, तो अब एक तो मतलब लो कार्ब इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऑप्शन है, पर कई लोग भूख के मारे इसको कर नहीं पाते हैं, उनके लिए एक सलूशन है। एक गोली आती है सीमा ग्लूटाइड, जो 3 mg, 7 mg, 14 mg की आती है, बहुत बढ़िया गोली। ये करती क्या है कि ये सीमा ग्लूटाइड टैबलेट होती है, US की कंपनी की टैबलेट है, नो नॉटिस की बड़ी अच्छी कंपनी है, जिसकी इंसुलिन भी आती है, मिक्सटार्ड सब आती है। ये करीब मोर देन 5-6 साल से मार्केट में है, पहले इंजेक्शन आता था, अब 2 साल से टैबलेट आ गया है। ये खाली पेट गोली खाई जाती है। ये गोली खाते क्या करता है कि हमारे स्टमक को मूवमेंट को रोक देता है। आपने एक रोटी खाई, नॉर्मली 2 घंटे पेट खाली जाता है, ये आपके स्टमक को रोक देगा। तो 2 रोटी वहीं पड़ा हुआ है, शाम तो वहीं पड़ा हुआ है, पेट भरा भरा लगेगा, आप 1 रोटी ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। 1 रोटी खा लोगे, शाम 8 बजे तक भूख नहीं लगेगा। भूख न लगे, खाने जरूरत नहीं है, डायबिटीज में भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? हम ऐसी दवा लिखेंगे जो शुगर लो नहीं करेगा। नॉर्मली हम पहले ऐसी दवा लिखे जो शुगर लो ना करे, तो लो खतरा नहीं। जो लोग इंसुलिन लेते, मान लो उनको ऐसी इंसुलिन लिखते हैं कि थोड़ा कम डोज लिखते हैं, जो लो ना करे, प्लस फास्टिंग थोड़ा 140 के आसपास बढ़ा के रखते हैं। तो पहला काम ये भूख कम कर देगा, दूसरा काम क्या करता है कि हमारे लीवर के अंदर काम करके वह फैटी लीवर ठीक करता है, हार्ट के मसल पर काम करके हार्ट के मसल को स्ट्रांग करता है, किडनी को बचाता है, किडनी रिपेयर करता है, किसी डायबिटीज नेफ्रोपैथी तो उसमें दे देना, किडनी रिपेयर करता है, इवन बीटा सेल, इंसुलिन फॉर्मिंग सेल को रिपेयर में देखा गया है कि स्टडी में बीटा सेल को रिपेयर करता है। आज के डेट में बीटा सेल रिपेयर करने के लिए केवल एक ही दवा आती है, GLP रिसेप्टर एग्निस्ट, जो भी 100% रिपेयर भी नहीं करता है, पर बेसिकली थोड़ा स्टडी में देखा है कि बीटा सेल की संख्या बढ़ाता है, बट मोटापा कम करके इंसुलिन प्रोडक्शन पक्का बढ़ाता, तो गारंटी है। आपने हर डॉक्टर बोलता है मोटापा कम करो, क्यों बोलता है? कि इंसुलिन असर बढ़ेगा। तो ये 3 mg गोली आती है, 7 mg, 14 mg आती है। पहले हम 3 mg देते स्टार्ट कर 10 दिन के लिए, खाली पेट सुबह से उठते ही। गोली खाने के बाद इसे बड़ा खास बात है, गोली 3 mg गोली आएगी, खाली पेट खाओगे, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 घूंट पानी साथ, आधा ग्लास पानी से कम पानी पीना आपको। ज़्यादा पानी साथ पी लोगे तो ये टैबलेट स्टमक से बाहर के चली जाएगी, काम नहीं करेगी। गोली खाने के बाद आधा घंटे या बेटर 1 घंटे तक कुछ मत खाओ। शुरू के कुछ दिन पेट भरा रहेगा एकदम, इसे फिर 3 दिन स्टार्ट करते हैं, 10 दिन में 7 दिन जाते हैं, 7 दिन भूख अधिकांश कंट्रोल हो जाती है, भूख वर्चुअली 90% कम हो जाएगी, किसी के 14 mg आती है। ये बस डायबिटीज दवा बट वेट कम भी करता है। अभी USA में स्टडी चल रहा, 32 mg का मेडिसिन स्टडी चल रहा, जो बिना डायबिटीज वालों को भी दिया जाता है। बस सीधा सेफ्टी कितनी है कि बिना डायबिटीज वालों को भी दिया जा रहा है वेट कम के लिए, तो सेफ्टी 100% है। साइड इफेक्ट क्या है? भूख कम, अगर थोड़ा भी ज़्यादा खा लिया, मतलब स्वादिष्ट है, आधा रोटी एक्स्ट्रा खा लूँ, जी मिश्रा की उल्टी हो जाएगी, कोई स्टमक जगह रुका बेचारा हो तो वही पड़ा हुआ है।
लेकिन ये तो उनके लिए जो थोड़े से डिटरमाइंड है, मैं वेट कम करना है, मुझे डायबिटीज़ ख़त्म करना है। दूसरा इस दवा का नुकसान है कि दुर्भाग्यवश ये थोड़ी महंगी है, जिस कंपनी का नो नॉडिस रिसर्च प्रोडक्ट है उसका पेटेंट है, तो उसे एक गोली कीमत रखी 330 रुपया, तो महीने खर्चा कर 10,000 रुपये। पर अगर 3-4 महीने 15 किलो वेट घट जाए आपका तो पैसा वसूल है। बट ऐसा तो नहीं कि डाइट बिल्कुल कम कर दिया तो वीकनेस आएगा या चक्कर आएगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा। जरूर जब डाइट कम करें तो क्या है, कमजोरी आती है, तो ताकत गोलियां लिख देंगे आपको। किसी को कब्जी होती है तो कब्जी गोली लिख देंगे। प्लस शुरू 2-4 तकलीफ होगी भैया, एक छिछोरे पिक्चर देखी साथ देखी छिछोरे पिक्चर, शराबी था, शराब छोड़ना था, मर जाऊँ शराब नहीं, 3-4-5 दिन तड़पा फिर ठीक हो गया। भाई बिहार में आपसे नहीं, बिहार में जाते छठ करते हैं, 3 दिन तक कुछ नहीं खाती हैं, कैसे खा कैसे क्या तड़पती हैं, लेकिन एक दिन बाद क्या होता है, एक दिन आदत पड़ जाती है। हमारे अन्ना हजारे पता कितने कुछ नहीं खाते, कितने दिन बताओ, 18 दिन तक कुछ नहीं खाते, जो रामलीला मैदान 18 दिन कुछ नहीं खाते, पानी के अलावा, नींबू और नमक के अलावा, मरे नहीं मरे, आदत हो जाती है। हम दिन में 1 रोटी एक शाम खाते हैं, बाद दिन पानी पीते हैं, अब भूखे रहते हैं, आदत हो गई है। बॉडी जैन साधु होते हैं, आप साधु किस पता होनी है, पता कितने बार खाते हैं, रात शाम को एक बार क्यों नहीं खाते हैं, आदत हो जाती है। ये उनके लिए जो ठान रखा है, सब तकलीफ सहूंगा लेकिन डायबिटीज मोटापा नहीं रखूंगा, 3 महीने तकलीफ और डायबिटीज खत्म, 90% चांस है। बस मोटो गली, पतलों के लिए चांस नहीं है, ये मेडिसिन मोटो गली है, जो कि मोटे मोटे किस तय तय करिए, हाइट किस को वेट कितना होना चाहिए, जितना हाइट सेंटीमीटर, मान लो किसी हाइट है 170, उसका वेट 70 किलो होना चाहिए, बैंजे का वेट 70 होना चाहिए, आपका वेट 70 होना चाहिए। अब सुन लो, अभी आपको 60 होना चाहिए, आप 9 किलो अभी मोटी हैं, अभी रिवर्स कर सकती हैं, पर आप डायबिटीज के बाद आपको दे देंगे हम आपको। तो देखो वीडियो का पर्पज़ क्या हमारा, कि अगर जेब नोट है तो मेडिसिन प्लस डाइट कंट्रोल प्लस थोड़ा वॉक प्लस सलाद करेंगे तो कंट्रोल रहेगा। अगर पैसा नहीं खर्चा करना है, सिंपली बहन जी इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, दिन में 2 बार खाना स्टार्ट करो, बाद में 1 बार खाना स्टार्ट करो, कुछ दिन बाद आज खाया कल नहीं खाया, सब कुछ संभव है, दवा भी जरूरी नहीं है, पर दवा क्या होता है, हेल्प मिल जाता है, अगर भूख नहीं है तो आसान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मेडिसिन लेने के बाद जैसे पेट भारी भारी सा लग रहा है, तो आदमी का यदि पेट में प्रॉब्लम है तो वो बाकी वर्क में कहाँ ध्यान दे। अब भाई जी सुन, मैं बता रहा हूँ, हम शाम जाऊँगा, पता क्या खाऊँगा मैं जी, 1 रोटी खाऊँगा, 2 अंडे खाऊँगा, 1 रोटी दाल खाऊँगा, सब्जी खाऊँगा, 1 फल खाऊँगा, उसके बाद जो पेट जगह होता है कम से कम इतना सलाद खाऊँगा, और सलाद खाऊँगा समय 7 बजे और 9-9:30 बजे तक लगता है अब पेट फटा कब फटा। हाँ सुबह भी क्या, सब खाने के बाद 1 खीरा 2 टमाटर खा, पर पेट फुल एकदम। तो आपको अगर मान लो और करना है तो रोटी वो भी कैंसिल, सुबह 2 टमाटर 1 खीरा सलाद खत्म, उसे पेट भर लो। थोड़ा हट के इलाज करना है, एक इलाज जो नॉर्मल डॉक्टर करते हैं, पहले एक दवा लिखी, फिर 2 दवा, फिर 4 दवा, फिर बीपी दवा, फिर घुटना दर्द दवा, फिर इंसुलिन दवा बढ़ती, नॉर्मली ये इलाज चलता है, पर थोड़ा हटके है बिना त्याग के कुछ। आखिर आप लोग मोटे क्यों हो गए, आप लोग हल्के फैट टेंडेंसी परिवार हो गया आपके यहाँ, फिर कार्बोहाइड्रेट खाया उन्होंने बार बार खाया, बेचारा आपने 2 रोटी खाई, लीवर भी पहले क्या बार में, पहले चलते थे आदमी गंगा किनारे, आपके पापा क्या थे, खेत के बलिया से खेत के किनारे घूम रहे, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ घूमते गए, सुबह निकले 7 बजे आए 11 बजे, गलत ही बोला, फिर आए खाना शाम, फिर खाना खाया 6 बजे, फिर 2 घंटे घूम लिए, तो खाए उन्होंने 8 रोटी और पचा लिए सब। हमने को 2 रोटी खाते हैं, हम लोग ज़्यादा 2 इससे कौन खाता है, पर 2 रोटी खाए कुर्सी बैठ गया, अब ये कर रहे हैं, 1 रोटी पचा नहीं,
बाकी जो एक रोटी लीवर में गया सारा ग्लूकोज बॉडी पर लीवर जाता है, अगर एक्सरसाइज कर तो मसल जाता है तो लीवर जाता है। लीवर पर मैक्सिमम 400 ग्राम इस ग्लूकोज स्टोर की कैपेसिटी है। अब लीवर करे क्या बेचारा, तो एक्स्ट्रा फैट बनाता है, लीवर फैटी हो गया, फिर भी फैट आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, अब वो एक्स्ट्रा उसको क्या होता है, फैट सेल बना के बॉडी में भेज देता है, पूरा बॉडी फैटी हो गया, फिर भी फैट है तो लीवर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाता है, उसे गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा। आज से 10,000 साल पहले जब जंगल रहते थे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट में जैसे गेहूं चावल आलू फल में जो रेड वाला चावल आता है जो पुराने टाइम खाते ब्राउन, अच्छा वो भी अच्छा, वो भी कम ही खाना है। तो आई होप कि अगर आप वेट कम करना चाहते हो एक दवा सपोर्ट के लेते हैं, मुझे हेल्प मिलेगा, ठीक है।